एक्सरसाइज 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है। कुछ भागों में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, आपको ए एन निकालना है। किसी भाग में ए दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, आपको डी निकालना है। इस प्रकार से आपको इसके रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें से कुछ भाग मैं अभी आपको यहां हल करके दिखा रहा हूं। जैसा कि पहला भाग है, इसमें हमें दिया है a बराबर 7 यानी प्रथम पद बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8। हमें निकालना है a n यानी nवां पद। n कितना है? 8, यानी हमें 8वां पद निकालना है। ए एन का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a 8 हो जाएगा। a की वैल्यू है 7 प्लस n, n है 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी है 3, तो 3 इसे गुना हो जाएगा। ये आ गया 7 प्लस 8 में से 1 निकाला, 7 गुना 3, ये आ गया 7 प्लस 7 दिया 21 और ये बराबर है 28 के। यानी कि इस भाग में हमें ए एन, एन था 8 यानी 8वां पद निकालना था, तो इस एपी का 8वां पद आ गया 28। दूसरे भाग में ए दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है, हमें डी निकालना है। ए बराबर है -18, डी हमें निकालना है, एन दिया है 10, ए एन निकालना है, ए एन हमें दिया हुआ है 0। ए एन का ही हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। अब ए एन दिया हुआ है 0, तो ए एन की जगह हमने लिखा 0, ए की जगह हमने लिखा ए की वैल्यू -18 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1, डी हमें निकालना है। इसे हम हल करेंगे। 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। -18 इस टर्म के साथ माइनस हो रहा है, 0 से उधर बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 18 प्लस 0 हो गया 18 बराबर 9 डी। 9 इसके साथ यहां गुना हो रहा है, जब ये इधर आएगा d को अकेला छोड़ देंगे, 9 इधर आएगा तो 18 से भाग हो जाएगा, 18 को 9 से भाग किया तो हमारे पास आ गया d बराबर 2। यही हमें इस भाग में निकालना था। इसी प्रकार से तीसरे भाग में हमें a नहीं दिया हुआ, d दिया हुआ है -3, n दिया हुआ है 18, a n दिया हुआ है -5। फॉर्मूला ए एन का ही यूज होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। -5 ए एन की वैल्यू थी, ए था नहीं पता हमें तो ए की जगह ए लिखा, प्लस एन था 18 माइनस 1 गुना डी दिया है -3। इसे हम आगे हल करेंगे। -5 बराबर ए की जगह ए प्लस 18 में से 1 निकाला, 17 गुना -3। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है बाहर, यानी गुना हो रहे हैं। -5 बराबर ए प्लस इंटू माइनस 17 दिए 51। ये आ गया -5, -51 है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 51 बराबर ए, प्लस माइनस 51 में से 5 निकाला 46, साइन बड़ी रकम का प्लस बराबर ए, इसका मतलब ए बराबर 46। यही हमें इस भाग में निकालना था। अभी मैं आपको क्वेश्चन 2 भी भेजूंगा, वो जो आपने कल सीखा था उसी के बेस पर है, उसका एक भाग मैंने आपके लिए हल किया है। एपी हमें दी हुई है -3, -1/2, 2 इस तरीके से। तो आप यहां देख सकते हैं ए कितना होगा, पहला पद यानी -3। डी निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। देखिए, दूसरा पद था -1/2, माइनस किया पहला पद वो है -3, दो निशान इकट्ठे थे इसलिए लगाई ब्रैकेट। इसे आगे हल करेंगे, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, दो और एक का लघुत्तम आ जाएगा दो, दो को नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, दो को दो से भाग किया एक, एक को माइनस एक से भाग किया माइनस एक, बीच में प्लस का निशान है प्लस, दो को एक से भाग किया दो, दो को ऊपर तीन से गुना कर दिया छः। तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक प्लस छः, प्लस माइनस माइनस, छः में से एक निकाला पांच, साइन बड़ी रकम का प्लस बटा दो, ये आ गया हमारे पास डी। हमें यहां निकालना है ए ग्यारह, ग्यारहवां पद, फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए ग्यारह बराबर ए, ए कितना दिया हुआ है माइनस तीन, प्लस एन, एन है ग्यारह, माइनस एक इंटू डी, डी है पांच बटा दो, इसे हल करेंगे, माइनस तीन प्लस ग्यारह में से एक निकाला दस गुना पांच बटा दो, दो से दस कट गया, दो पांचे दस, तो हमारे पास आ गया माइनस तीन प्लस पांच गुना पांच पच्चीस, प्लस माइनस माइनस, पच्चीस में से तीन निकाले बाईस, साइन बड़ी रकम का प्लस, तो इसका मतलब हमारे पास ए ग्यारह आ गया बाईस।